अगर भारत मेड इन इंडिया सस्ती और प्रभावी वैक्सीन पर काम न करता, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन न करता, तो दुनिया के अनेक देशों की स्थिति क्या होती? भारत जब अपने नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालता है तो दुनिया से गरीबी कम होती है। भारत में जब गरीब को हाउसिंग, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फ्री हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसी जब अनेक सुविधाएं मिलती हैं, तो इसे दुनिया के अनेक देशों को एक नया विश्वास मिलता है। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे लक्ष्य मजबूत होते हैं। भारत के हर घर में लगा हर एलईडी बल्ब, भारत में लग रहा हर सोलर पैनल जितना एमिशन बचाता है, वो क्लाइमेट एक्शन के संकल्प को और अधिक मजबूत करता है। साथियों, स्टीरियोटाइप्स और साइलोस को तोड़कर जो सक्सेस मिलती है, वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाती है। आपको याद होगा, जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी तो कुछ लोग कई तरह के सवाल उठाते थे। हिंदुस्तान में डिजिटल न जाने ऐसे सवाल पूछते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक थे। ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल पहले। लेकिन आज स्थिति एकदम से बदल गई है। अनेक बड़े देश मिलकर जितना पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा हम भारत में करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी नया यूजर जुड़ रहा है, वो शहरों से नहीं है, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले भारत के छोटे छोटे गांव है दोस्तों। इसने भारत के गांव और गरीब को तो एम्पावर किया ही है, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट का गेट खोल दिया है। और यही तो है नए भारत की रियल स्टोरी। देश का मिजाज कैसे बदलता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। यह हमारी आजादी का 75वां साल है। लगभग 75 महीने पहले, 75 मंथ्स पहले की बात मैं कर रहा हूं, हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। तब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में दुनिया में भारत की कोई गिनती ही नहीं थी, नाम यानी नाम नाम कहीं उल्लेख ही नहीं होता था। आज हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर खड़े हैं।